सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि HAL के एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर की तरफ से एक फाइटर एयरक्राफ्ट की इमेज को ट्विटर पर पोस्ट किया गया था और इस फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर लिखा था ORCA और बाकी इसके अलावा इस फाइटर के रिगार्डिंग कोई और डिटेल सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी हाल ही में इस एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग NDTV के सीनियर एडिटर विष्णु सोम की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये ORCA वाला एयरक्राफ्ट ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर का ही एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। और इस ORCA और ट्विन इंजन डैगवेस फाइटर, इन दोनों पर ही एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी और HAL एक डिटेल स्टडी कर रही है। और अगर भारत सरकार की तरफ से इन फाइटर्स को विकसित करने के लिए फंड मिलता है तो इन फाइटर्स को विकसित किया जाएगा। और जो ये ORCA नाम के फाइटर एयरक्राफ्ट की इमेज सामने आई थी, ये इंडियन एयरफोर्स वाले वेरियंट है, जो की नेवल वेरियंट की तुलना में वजन में हल्का होगा। और साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात को भी दर्शाया गया है कि जो एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है, इनके प्रोटोटाइप्स को विकसित करने की जो कीमत होगी वो भारत और फ्रांस के बीच साइन किए गए 36 रफेल फाइटर्स की डील की तुलना में काफी कम होगी। और ये तेजस फाइटर्स के ही ट्विन इंजन वाले वेरियंट है, जिसमें नेवी वाले वेरियंट को नाम दिया गया है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और इंडियन एयरफोर्स वाले वेरियंट को नाम दिया गया है ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि ORCA। और शुरुआती फंड मिलने के बाद से इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट का जो समय आंका गया है वो करीब 6 साल है। दोनों को स्वदेशी तौर पर विकसित कई सारे सेंसर्स और एविनेक्स के साथ इक्विप किया जाएगा, जो कि अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में हैं। और ये सारे फाइटर्स मेड इन इंडिया डेटा लिंक और कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ बनाए जाएंगे, जिसका फायदा ये होगा कि मिशन के दौरान जो महत्वपूर्ण सेंसर इन्फॉर्मेशन होगी वो सुरक्षित तरीके से आपस में एक्सचेंज की जा सकेगी। और इनको विकसित करने वाले डिजाइनर्स को इस बात का पूरा विश्वास है कि जो तेजस के ट्विन इंजन वाले वेरिएंट पर काम किया जा रहा है, ये कैपेबिलिटी के मामले में इंडियन एयरफोर्स के रफेल फाइटर्स को भी मैच करेंगे। हालांकि इस रिपोर्ट में एक बात ये भी कही गई है कि जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर AMCA है वो 2040 से इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन में एंटर होना शुरू करेगा। पर जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आई थी, जिसमें ADA के डायरेक्टर ग्रीस देवधर की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया था कि AMCA फाइटर्स का प्रोटोटाइप 2024 और 25 तक उड़ान भरेगा और उन्होंने इस फाइटर के प्रोडक्शन को 2028 से शुरू करने का टारगेट सेट किया है। और इसलिए इस रिपोर्ट में जो AMCA फाइटर को लेकर बात लिखी गई है वो गलत हो सकती है। शनिवार को आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल BS धनोवा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके अगले दिन वाली घटना पर बात करते हुए कहा कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी को MiG-21 की जगह रफेल फाइटर्स उड़ा रहे होते तो उस समय पाकिस्तान के F-16 फाइटर्स के साथ हुई उनकी डॉग फाइट के नतीजे अलग हो सकते थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सवाल ये उठता है कि वे उस समय रफेल फाइटर्स क्यों नहीं उड़ा रहे थे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को रफेल फाइटर्स मिलने में 10 साल की देरी हुई थी। और उन्होंने कहा कि भारत सरकार को ये तय करने में 10 साल लग गए कि कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है। और साथ ही उन्होंने डिफेंस डील के राजनीतिकरण पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आप डिफेंस डील्स का राजनीतिकरण करते हैं तो इससे पूरा सिस्टम पीछे चला जाता है, जैसे कि बोफोर्स आर्टिलरी गन वाले मामले में हुआ था। उनका कहना है कि बोफोर्स एक अच्छी गन है लेकिन वो भी विवादों में घिर गई थी, और उसी तरह रफेल फाइटर्स के मामले में भी हुआ था। और फॉर्मर एयरफोर्स चीफ ने इस बात को भी दोहराया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले और इससे पहले 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद तत्कालीन सरकारों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बाकी हमने भी इस टॉपिक पर एक वीडियो अलग से बनाई है, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक या उसके अगले वाले दिन इंडियन एयरफोर्स के पास उस समय रफेल फाइटर्स होते तो स्थिति क्या होती। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी इस कार्यक्रम के दौरान फॉर्मर एयरफोर्स चीफ ने S-400 सिस्टम को भी एक गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द प्राप्त करने की जरूरत है। कानपुर में स्थित डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स R&D एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी ने कई सालों की मेहनत और कई सारे परीक्षणों के बाद एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है, जो कि पहले वाली जैकेट्स की तुलना में 10 किलोग्राम ज्यादा हल्की है। और इस बुलेट प्रूफ जैकेट को 107th इंडियन साइंस कांग्रेस एग्जीबिशन के दौरान पेश भी किया गया है। और इस लेबोरेटरी के ऑफिसर्स का कहना है कि शुरू से ही एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत थी, जो कि स्किन फ्रेंडली हो और साथ ही साथ उसे लाइट मटेरियल के साथ बनाया गया हो, और अब ऐसे ही बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार है।
और ये जैकेट इंडियन आर्मी के 1438 जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के अनुसार ही बनाई गई है। और ये 9mm की स्मॉल मशीन कार्बाइन बुलेट्स, AK-47 बुलेट्स और सेल्फ लोडिंग राइफल एम्यूनेशन से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। और बाकी इसके अलावा DRDO की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी यानी कि TEBL ने भी एक ऐसी फिट टू बॉडी मेडिकल पैरामीटर्स ट्रैकिंग वेस्ट को विकसित किया है जो कि भारत के पहले मैन स्पेस मिशन गगनयान में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पहने जाएंगी। ये एक लाइव बॉडी ट्रैकिंग सूट है जिसे बायो वेस्ट का नाम दिया गया है और इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, हार्ट रेट सेंसर, स्किन टेम्परेचर सेंसर और फिजियोलॉजिकल सेंसर जैसे सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा DRDO और ऑर्नेस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित की गई 5.56x30mm की जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन JVPC, जिसे मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन यानी कि MSMC भी कहा जाता है, इसके करीब 640 यूनिट्स के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। और जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इस स्वदेशी कार्बाइन की कुछ यूनिट्स का ऑलरेडी इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और जबकि ऑर्नेस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा मैन्युफैक्चर की गई एक्सकैलिबर MK1 असॉल्ट राइफल्स की भी कुछ यूनिट्स को CRPF में एंटर किया गया है। पूरे देश भर में लास्ट माइल एयर डिलीवरी कनेक्टिविटी को बनाने के लिए जल्द ही ड्रोन सिस्टम के बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट टेस्ट फ्लाइट्स को आयोजित किया जाएगा। और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि UAS इकोसिस्टम के इवोल्यूशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट टेस्ट फ्लाइट को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य है सेफ ऑपरेशंस के लिए ड्रोन डिलीवरी सिस्टम के एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को तैयार करना। और अगर ये फ्लाइट टेस्ट सफल रहती है और ये पाया जाता है कि ये ड्रोन डिलीवरी सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेफ है, तो फिर जल्द ही एक लॉन्ग रेंज के बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन ऑपरेशंस के लिए एक नई पॉलिसी फ्रेमवर्क को जारी किया जाएगा। और बाकी इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा है और जिसके चलते अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगर अमेरिकन या फिर अमेरिकन संपत्ति पर हमला किया जाता है तो अमेरिका 52 ईरानियन साइट्स को टारगेट करेगा और अमेरिका की ये स्ट्राइक बहुत ही फास्ट और बहुत ही हार्ड होगी। और कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अमेरिका और ईरान के तनाव के चलते भारत के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।